एक मरतबा एक शख्स जो था वो काफी परेशान हाल था और उसको माली तौर पे काफी आजमाइशों का सामना था। तो एक दिन वो तवाफ कर रहा था तो दौरान तवाफ उसको बड़ा खूबसूरत मोतियों का हार जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने उसको उठा लिया। अब दिल में ख्याल आया कि यार ये हार मैं रख लेता हूँ, मेरे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन फिर आया कि यार ना जाने किसका होगा, वो इतनी मुबारक जगह से मिला है तो उसको लौटा देना चाहिए। तो इसने ऐलान किया कि भाई अगर किसी का हार गुम हो गया हो तो मुझसे रब्ता कर ले। थोड़ी देर हुई, एक नाबीना शख्स आया और उसने कहा कि इस तरह का हार मेरा थैले से गिर गया, अगर वही है तो वो मेरा है। अच्छा, इसको फिर दिल में वसवसे पैदा हो गया, चलो रख लेते हैं, तो नाबीना है ये, क्या इधर उधर ढूंढेगा किसी को। लेकिन बहरहाल इसने दिल बड़ा करके वो हार दे दिया उसको। अब वो हार जब दिया वो दुआएं देकर चला गया। भी कुछ अरसा और कोशिश की लेकिन मसले हल नहीं हुए, तो आखिर सफर इख्तियार किया। फिर एक मकाम पे जाके इसने समुंदर का सफर इख्तियार किया, बहुत दूर कहीं कश्ती का सफर करके ये जजीरे पर उतर गया। अब जजीरे पर जब उतरा तो वहां आबादी की तरफ जब रवाना हुआ तो एक मस्जिद नजर आई, अंदर दाखिल हुआ, कुरान की तिलावत करने लगा। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाजी आ गए, इमाम साहब नहीं थे, तो लोगों ने उसको इशारा किया कि भाई आप नमाज पढ़ा दें। उसने आगे बढ़ के नमाज पढ़ा दी, लोगों को उसकी नमाज बड़ी पसंद आई, तो कहने लगे हमारे इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, अगर आप हमारे इमामत कर लें, यहीं रह जाए हमारे पास। अब ये वैसे जरूरतमंद तो था ही, उसने बहरहाल वहाँ इमामत कर ली। अब इमामत की तो बड़ा उसका एक रख रखाव हो गया। कुछ अरसे बाद उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो यूं बड़े जजीरे में ये बड़ा मशहूर हो गया। तो एक मरतबा कुछ बुजुर्ग नमाजी आए उसके पास और कहने लगे कि हमारे जजीरे में एक लड़की है जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया है, आप ऐसा करें अगर उससे शादी कर लें तो आपका भी घर आबाद हो जाएगा, वो उसका भी घर आबाद हो जाएगा। उसने कुछ सोचा और हामी भर ली, शादी हो गई। चंद माह गुजरने के बाद उसने अपनी बीवी के गले में वो हार देखा जो उसने वो मक्के में उठा के दिया था। अभी बड़ा हैरान हुआ, उसने अपनी बीवी से पूछा ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसने कहा तो मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए बनवाया था। अच्छा, तुम्हारे वालिद साहब नाबीना थे। कहा तुम्हारे वालिद साहब चंद साल पहले हज पे गए थे। कहा फिर उसने सारा वाकया सुनाया, इस तरह से हार मुझे मिला था और मैंने आपके वालिद साहब को उठा कर दिया था। वो खातून ने जब ये वाकया सुना तो खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी कि आप दोनों की दुआएं कबूल हो गईं। तो क्या मतलब? कहा कि आप दुआ करते थे कि अल्लाह आपको रोजी दे, आपका घर आबाद हो, तो आपको रोजी भी मिल गई, आपका घर भी आबाद हो गया। मेरे वालिद साहब जब वापस आए थे तो आकर दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मक्के में जो नेक नौजवान मिला था ऐसा नौजवान मुझे मिला दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। अल्लाह अल्लाह, नेकी जाया नहीं होती। सुभान अल्लाह।